Uh, when we talk about the personality uh, types, components, elements, factors, then we know there are some uh, mechanisms that are governing the personality. And uh, there are two types of uh, main mechanisms. One is called the successful mechanism, and the other is called unsuccessful uh, defense mechanism. And uh, successful mechanism means that uh, uh, we are taking positively action towards any task. And uh, we are uh, actually using our raw abilities and uh, potential towards any creative work. So that is called the su successful uh, mechanism, and the word is the unsuccessful defense mechanism. Uh, number one is denial. Uh, uh, you know when abnormality comes into the personality, uh, denial stage. Actually, express the.

तो अब आप, आप ने हमने देखा भी होगा आपकी ऑब्ज़र्वेशन भी होगी अपने इन्वामेंट में कि डिनाइल का मतलब ये होता है कि बाजुकात एक हकीकत है आपके सामने लेकिन आप उसको मानने से इनकारी हैं और आप कह रहे हैं कि आप अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं जिसको हम फूल्स पैराडाइज भी कहते हैं और आपका माइंड जो है आपको उस फूल पैराडाइज से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा और आप बार बार अपने माइंड को और अपने आप को यकीन दिला रहे हैं कि आई एम सक्सेसफुल आई एम आई एम सुपीरियर टू ऑल एंड द अदर्स आर इन्फीरियर टू मी तो अब ये एक ख्याल आपके माइंड को बार बार मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें इस तरह से जैसे आप एक हीरो हैं जैसे आप एक लीडर हैं और डिनयल का मतलब है कि माइंड डिनाइल स्टेज में चला गया है माइंड ये आप हार तो गए हैं लेकिन आप हार मानने को तैयार ही नहीं क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको इस तरफ ले के नहीं आ रहा और आप बार बार कह रहे हैं कि मैं हारा नहीं हूँ और बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने सेंटेंस को तो ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाती है ये चीज़ और डिनायल स्टेज में बाजुकात माइंड आपका कहीं स्टक हो जाता है किसी एक बात के अंदर और आप कहते हैं कि कई मूवीज़ में हमने देखा होगा कई स्टोरीज़ में आपने पढ़ा होगा जिसमें आपने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं जो कि इस डिनयल स्टेज को रिप्रजेंट कर रहे होते हैं जिसमें उनका माइंड जो है वो उस डेथ को या उस ट्रेजेडी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और वो कहते हैं कि जी आ, किसी लव्ड वन की जो डेथ ने अचानक इतना सदमा पहुंचा आपके माइंड को कि आप कह रहे हैं कि नहीं उसकी तो डेथ नहीं हुई वो तो भी मेरे इधर इधर उधर ही है अभी कहीं किसी जगह से वापस आ जाएगा सो एक्चुअली द माइंड इज़ यू नो कन्वेइंग द मैसेज टू यू सो दिस इज़ कॉल्ड द डिनाइल स्टेज द रिग्रेशन रिग्रेशन रिप्रेशन का मतलब ये है Uh, के बाद जो है uh, आप uh, एक एसोसिएशन या कोरलेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को uh, जैसे आप देखिए नेगेटिविटी की तरफ या अनसक्सेसफुल मैनेजमेंट की हम बात करें डिफेंस की तो हम कोरलेट कर लेते हैं कुछ इवेंट्स को और हम ये कहना चाहते हैं कि uh, uh, जैसे uh, मेरी जो uh, तबाही का बायस है वो फलां शख्स है या मेरी जो तबाही का बायस है वो ये इवेंट हुआ है आप अपने पर्सनल जो आपकी नाकामी की रीजंस हैं आप उसको तो नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे लेकिन आप अपनी तमाम नाकामी का ज़िम्मेदार जो है वो किसी इवेंट को करार दे देते हैं या फिर आप किसी शख्स को करार दे देते हैं हालांकि हो सकता है वो फिफ़्टी परसेंट इन्वॉल्व हो लेकिन फिफ्टी परसेंट आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी उसमें इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज़ में नाकामी मिलती है तो बात माइंड आपको ये रियलाइज़ करवा रहा होता है कि नहीं नहीं आपका कसूर नहीं है ये सारे का सारा कसूर जो है आपके फ्रेंड का था ये सारे के सारा कसूर बाज़ात हमने ऐसा भी देखा अपनी इन्वामेंट में कि बच्चे अपने माँ बाप को अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दे रहे होते हैं हालांकि कोई भी पेरेंट जो होते हैं ये हम सब इस बात पे मुतफ़ हैं कि वो अपने बच्चे की बेहतरी के लिए बात कर रहे होते हैं लेकिन बाजा उसका माइंड उसको इस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं इन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी है इन्होंने तुम्हारे से जो है वो ये चीज़ें जानबूझ के तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो जब इस तरह की कमांड्स माइंड के अंदर आना शुरू होती हैं तो आपका जो सक्सेसफुल मेकनिज़म है डिफेंस का वो वीक हो जाता है और नेगेटिवटी आपके माइंड को आकोपाई कर लेती है तो इस तरह की जैसे एक अगला है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जो है उसका मतलब यह है कि बाजा का एक इंसान फोबिया में आ जाता है कि आई नीड टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज हीरो और हीरोइन तो हम हर वक्त जो है बिल्कुल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते हम किसी किस्म की जो है वो बात तारीफ़ी अपनी नहीं बर्दाश्त करते कोई हमारी वीकनेस अगर हमें बताना चाहे तो हम बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं करते तो प्रोजेक्शन की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा हो जाती है एक इंसान के अंदर कि वो हर चीज़ भूल जाता है कि मैं वो नहीं हूँ जो नज़र आ रहा हूँ लेकिन वो चाहता है कि सिर्फ मुझे ही प्रोजेक्शन जो है वो हर जगह पे मिलनी चाहिए और इस काम के लिए वो सारा टाइम अपना जो है वो लगाता है तो जब भी हम किसी काम को एक एवरेज से बव हो के तरीके से करते हैं तो वो फिर हमारी वीकनेस बन जाती है और वो हमें वीक करती है हमारी पर्सनैलिटी को प्लेजेंट नहीं रहने देती लोग आपको साइको करार देते हैं कि भाई इसको तो हर वक्त कैमरे के आगे आने की जो है वो ये कोशिश करता है हर वक्त इसको हाईलाइट जो है वो चाहिए और इसलिए ये आदमी या ये ख़ातून जो है ये हमें नॉर्मल नहीं लगती तो प्रोजेक्शन की ख्वाहिश को भी ये कंट्रोल में होना चाहिए इसको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए